चैनल पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हमारे आगे की वीडियो की तरफ। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सिंपल कुर्ती कटिंग की है। इसके शोल्डर के हिस्सों को मैं जोड़ देती हूँ, इसे मैंने सीधा कर दिया है। अब दोनों साइड में स्लीव्स को अटैच कर दूँगी, दोनों साइड के स्लीव्स को कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं इसको सीधा कर देती हूँ, दोनों स्लीव को जोड़ दिया है। अब स्लीव्स की लंबाई जो है उसको मैं नाप लेती हूँ। अब इसकी जो लंबाई आई है उसके साइज़ की मैं पट्टी निकालूंगी। ये दूसरे कपड़े की मैंने पट्टी निकाली है। अब इस पट्टी को मैं दोनों तरफ से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने इसे जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो गला है वहाँ पे तिरछी पट्टी निकाल करके इस गले के ऊपर जोड़ देंगे और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसे जोड़ेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी कट लगा देती हूँ ताकि ये अच्छे से मुड़े। इसे कुछ इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए, मैंने इसे कर दिया है। अब हम अपना नाप लेंगे, फिटिंग का नाप, जो सेम कुर्ते में करते हैं वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। और सिलाई लगाने के बाद इसे जोड़ देंगे, इसकी फिटिंग कर देंगे। यहाँ से इस पट्टी को इस तरीके से मैं मोड़ दूँगी। देखिए, मैंने फिटिंग कर दी है। अब जो कोने वाले हिस्सा होता है ना, उसको भी हम जोड़ देंगे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे कुछ ऐसे, इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल कुर्ते में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब मैंने यहाँ पे एक ट्राउजर की कटिंग की है, जो उसका जो साइड वाला हिस्सा होता है ट्राउजर का, वहाँ पे मैं एक लंबी पट्टी कट करके उसको साइड में से उल्टा जोड़ दूंगी। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको सीधा करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। सेम उसी तरह से दोनों हिस्सों पे करना है हमें। फिर इन दोनों हिस्सों को बीच में से जोड़ देंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, फिर इसे सीधा करते हैं तो देखिए दोनों साइड पट्टियाँ लगा दी हैं। अब इसका आगे वाला हिस्सा है उसको भी मैंने जोड़ दिया है। अब इन दोनों को साइड में से जोड़ दूंगी, सिलाई लगा दूंगी, तो ये पूरा ट्राउज़र जो है बन जाएगा। दोनों तरफ आगे और पीछे वाले हिस्से को जोड़ देंगे ऐसे। देखिए, मैंने इसे जोड़ दिया है। अब जो बीच वाला हिस्सा है उसको भी मैं जोड़ देती हूँ, वहाँ पे भी सिलाई लगा देती हूँ। इसे भी मैंने कर दिया है। अब जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैं डबल फोल्ड कर देती हूँ ताकि ये भी बंद हो जाएगा। इसमें भी मैंने एक बार फोल्ड करने के बाद दूसरी बार वापस फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे अब ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, इलास्टिक डालेंगे। तो उसके लिए पहले इसे फोल्ड कर देते हैं, जो इलास्टिक की हमारी साइज़ होती है ना उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए, कुछ इस तरीके से एक बार फोल्ड करने के बाद में दोबारा से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देंगे ताकि इलास्टिक डाल सके। देखिए, मैंने ये हिस्सा छोड़ दिया है। अब यहाँ से मैं इसे अंदर डालूँगी, फिर इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने इसे कर दिया है। फिर ये ट्राउज़र जो है बनके रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ऋतिका फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।